तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो जिम्बाब्वे T20 लीग का आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का तीसरा मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा एमई वर्सेज एमएटी के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लोगे ना तो ईजिली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग यहाँ से करके जाने वाले हो। लेकिन भाई अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो भाई आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पर भाई इन दोनों ही टीम्स का एक एक मैच खेला जा चुका है और दोनों ही टीम्स अपना लास्ट मैच हार के आ रही हैं, ठीक है। यानी कि दोनों ही टीम अभी अपने लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन भाई देखते हैं अब कौन सी टीम भाई अपनी पहले विनिंग स्ट्रीक तोड़ती है, मतलब स्टार्ट करती है या लूजिंग स्ट्रीक तोड़ती है, ठीक है। अब चलिए भाई बात करेंगे दोनों टीम्स की यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे वेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो यार देखो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो आपका लाइक ही है ना, ये इससे मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, बट जो लाइक करते हो आपका प्यार सपोर्ट जो मिलता है ना, सच में दिल खुश हो जाता है और मजा आता है भाई काम करने में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए यहां से बात कर लेते भाई मैच नंबर 3 की। वहीं अगर बात करें यहां पर भाई जो मैच खेला जाएगा वो भाई यहाँ पर अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की, तो भाई आप देख सकते हो 25 मार्च यानी कि आज मैच खेला जाएगा 2022 को। और भाई टाइमिंग की बात करें तो भाई 5 बजे मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो ताका सिंगा स्पोर्ट्स क्लब हरारे में मैच होने वाला है। पूरी लीग भाई हरारे में ही खेली जाएगी। ग्राउंड यहाँ पर दो है, एक तो ताका सिंगा और एक दूसरा भाई अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट दो ही ग्राउंड भाई हरारे के और दोनों में मैचेज खेले जाएंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली। भाई अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो यहां पर आप देख सकते हो 29 मैच में 18 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन की और भाई 11 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। अब यहां पर अगर बात करें लास्ट के मैच की तो भाई कल जो इस ग्राउंड पर मैच खेला गया था वो भी भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही विन किया था। यहां पर अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो 140 से 160 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की बात करें तो भाई थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा बट बारिश के चांसेस ना के बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए भाई, टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आप सीधा वहां से ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज जो दूसरा रास्ता है वो भाई आपको कैसे यूज करना है। देखो @KPM मतलब यहां पर 20 लिख दिया भाई मैंने, 000 आएगा, ठीक है। यहां पर अब देखो @KPM3x01 ये अगर आप सर्च करोगे ना तो भाई आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। KPM जो @KPM है वो भाई आपको ऐसे ही लिखना है @KPM बिल्कुल बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर्स में, और 3 बार एक फिर 3x0 और फिर एक आपको लिखना है, और ऐसे आपको हमारा चैनल ईजिली मिल जाएगा। 5.6 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका भाई लिंक से ज्वाइन करने का, अगर लिंक वर्क ना करे तो भाई आपको ये तरीका यूज करना है। बात करें अगर यहाँ पर एमए की जो प्लेयर्स के स्टैट्स और प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उनकी, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तिनासे कुमू अंके, इन्होंने भाई एक मैच मतलब दोनों टीम्स के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर बात करें इनकी तो भाई ऊपर से तिनासे की तो एक मैच में 3 रन बनाए। भाई अगर बात करें वेजले मैदवेरे की तो एक मैच में भाई 2 रन बनाए और एक विकेट निकाला। इसके अलावा चाम्बू चिबाबा की बात करें तो भाई एक मैच में 35 रन बनाए। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें कुडई मोन्जे की तो भाई एक मैच में 2 रन इन्होंने बनाए। मार्शल तकोडजा की बात करें तो भाई एक मैच में 1 रन बनाए। इसके अलावा ब्रैड इवांस की बात करें तो एक मैच में 2 रन बनाए। वहीं अगर बात करें जो टपीवा मुफुदजा है इनकी अगर बात करें तो एक मैच में 9 रन बनाए और एक विकेट भी निकाला है। इसके अलावा अगर बात करें रिचर्ड नगारवा की तो आप देख सकते हैं एक मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर डैनियल जैकियल की तो भाई आप देख सकते हैं एक मैच में 1 रन बनाया। मैथ्यू वेल्स की बात करें तो भाई एक मैच में 1 रन इन्होंने बनाया। इसके अलावा भाई जो ऐशा चिबांडो है इनकी बात करें तो भाई एक मैच में 34 रन इन्होंने भी बनाए हैं। अब यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ से देखो आपके लिए रिचर्ड नगारवा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो चिबांडा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर अगर चलोगे तो भाई आपके लिए यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे ऊपर भाई आपके लिए यहाँ से जो विजले मैदवेरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। और चांबा चिबाबा की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्शल तकोडजा भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। अब अगर बात करें जो दूसरी टीम है एमएटी की टीम, तो यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो भाई ब्राइट फेरी आपको दिखेंगे कैप्टन और विकेट कीपर। एक मैच खेला भाई 14 रन बनाए। भाई अगर बात करें कारोबा मोथलांजा की तो 4 रन इन्होंने बनाए। यहाँ से एलांजा चिंगोंजा की बात करें तो भाई इन्होंने 0 रन बनाए। इसके अलावा जो
क्लाइव मेडेंडे हैं, इन्होंने भाई एक मैच में 55 रन बनाए। इसके अलावा अगर बात करें नीचे मिल्टन छुंबा की, तो इन्होंने भाई यहाँ पर 67 रन बनाए। विकेट की बात करें तो एंसले नेडलोव की बात करें तो इन्होंने भी एक विकेट निकाला। इसके अलावा जॉन नेम्बू ने भाई एक विकेट निकाल रखा है। वहीं अगर बात करें नीचे की साइड चलकर तो एक विकेट स्टीव चिम्बाम्बिया की बात करें तो इन्होंने निकाला। इसके अलावा भाई एक विकेट मुसेकवा ने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो दो प्लेयर तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पर क्लाइव मैदान से। देखो बैटिंग में यहाँ पर बैटिंग विकेट है तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर बैट्समैन को अपर एंड मिलने ही वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई इन्होंने मतलब 67 रन बनाए। ऊपर से भाई उन्होंने कहाँ पे गया भाई क्लाइव मेडेंडे, इन्होंने 55 रन बनाए। तो इन दोनों को आपको जरूर से जरूर ट्राई कर लेना है। वहीं अगर बात करें भाई स्टीव चिम्बाम्बिया की बात करें, इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। मुसेकवा को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई ऊपर अगर आप चले तो एंसले नडोलवो को आप ट्राई कर सकते हो। अब चले भाई सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ ड्रीम इलेवन पर। वहाँ पर मैं आपको अभी डेमो टीम बना के दे देता हूँ, लेकिन भाई अगेन आपको बता दूँ फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको टेलीग्राम पर जाकर कैसे सर्च करना बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप आओगे तो आपको एट द रेट ऊपर लिख लेना, उसके बाद आपको लिखना भाई कैपिटल लेटर्स में KPM और 3x0 और यहाँ पर भाई 1। ठीक है, ये आपको चैनल दिख जाएगा। यहाँ से आपको ये चैनल दिख रहा है KPM फैंटेसी एक्सपर्ट के नाम से, ये भाई हमारा ही चैनल है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भाई आपको ज्वाइन का बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं डेमो टीम की, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। बाकी फाइनल टीम तो भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आर चकवाबा की बात करें तो ये लास्ट मैच खेले नहीं थे, अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे भाई सी मेडेंडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में 55 रन बनाए। सी चिवाबा भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। सी अरविंद भी नहीं खेला भाई, अगर ये खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो भाई एम सिम्बुम्बा को मैं अपनी टीम में जरूर ट्राई करूंगा। नीचे अगर आप आओ तो बी फीरी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। ऊपर से अगर बात करें तो देखो क्रैग अरविंद अगर खेलते तो सी अरविंद अगर खेलते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो आप ट्राई कर सकते हो भाई इसका क्या नाम है तिनासे को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। डब्लू माधवेरे को मैं अपनी टीम में ले रहा हूं। इसके अलावा एस विलियम्स अगर खेलेंगे तो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। यहां से अगर बात करें नीचे चल के तो बी इवांस को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ऐसे बॉलिंग सेक्शन की तो एल जोंगवेन, जे नियुम्बू, इसके अलावा आर नगावारा और टीम अफुजादा, ये चार भाई आपके लिए मस्ट पिक बॉलर यहां से होने वाले हैं। ठीक है, एक अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो यहां पर एस मुसेकवा को। ठीक है, अगर आप इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके। ऑलराउंडर भाई आप सीन विलियम्स अगर खेलते हो तो 100% हमें ट्राई करना ही है। नीचे आप ब्रेड इवांस की जगह पर आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं सीवीसी की। कैप्टन वीसी की बात करें तो भाई डब्लू माधवन हमारे कैप्टन रहेंगे। वीसी की बात करें तो एस विलियम्स रहेंगे। अगर नहीं खेलते तो भाई यहाँ से ऊपर से आप शुम्बा को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं शुम्बा के साथ ही जा रहा हूँ। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसे ही लाइन अप्स आउट होंगी आपको मैं डेमो टीम मतलब फाइनल टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक भाई आप इस डेमो टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से ज्वाइन कर लेना है, बता दिया मैंने आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।